नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लाफ और ऑल पर्पस पे। अध्याय 6, कल हमने देखा प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। आज हम देखेंगे अध्याय 7, चीजें पेश करने को व्यवस्थ करने के लिए आदेश कहें, मीन्स प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ये भी चार पार्ट में है, ए बी सी डी। इसका पार्ट ए, पेश करने के लिए समन, सेक्शन 91, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। इसमें दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए भी समन या न्यायालय का बुलावा पत्र भेजा जाता है। तो उसके लिए हम अब बाई क्लॉज देखते हैं। क्लॉज नंबर 1, जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक है या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लेखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। तो पहले जैसे व्यक्ति को पेश करने के लिए था, यहाँ पे कोई चीज़ है, वस्तु है जिसको न्यायालय को लगता है कि उसकी आवश्यकता है जांच के लिए, विचारण के लिए, अन्वेषण के लिए, तो वो न्यायालय उसके लिए समन जारी कर सकता है। जिस व्यक्ति के शक्ति में या जिसके संरक्षण में वो चीज़ है तो उसके नाम समन जारी करेगा ताकि कि वो उस चीज़ को उस स्थान और समय पर प्रस्तुत कर सके, तो हाजिर हो और उसे पेश करे। तो ये सेक्शन 91 का क्लॉज 1 था। क्लॉज 2 हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। मतलब सिंपल बात है, जिस आदेश व्यक्ति को आदेशित किया गया है कि चीज या वस्तु को प्रस्तुत करे, वो उस चीज़ या वस्तु को प्रस्तुत करवा देता है, तो यही समझा जाए कि उस व्यक्ति ने उस आदेश का अनुपालन कर लिया है। क्लॉज 3 है, इस धारा की कोई बात का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 और 124 या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम 189/1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब सेक्शन 123 और 124 ऑफ आईपी और डिविडेंस एक्ट, और वहीं 189 आपका बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम है, उसकी जो सेक्शन है उस पर प्रभाव पर डालने वाली ये सेक्शन 91 नहीं समझी जाएगी। अभी अपने इसको पहले भी जब हमने तलाशी वारंट देखा था 92, 93, 94 देखे थे, तब इसको हमने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123, 124 को भी देखा था। ख, डाक या तार अधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज़ को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। अच्छा, ये उस पर भी लागू नहीं होगी जो किसी डाक या तार अधिकारी के संरक्षण में कोई पार्सल है या कोई पोस्ट कार्ड है, तार है, उनके अंदर का जो दस्तावेज हैं वो सब चीज़ यदि उसके अंडर में है तो उस पर भी ये प्रभाव करने वाली नहीं समझी जाएगी ये सेक्शन जो है। नाउ सेक्शन 92, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया क्या प्रोसीजर होगी, वो सेक्शन 92 में दे रखी है उन्होंने। नंबर 1, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की गई कोई दस्तावेज, पार्शल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्शल या चीज का परिदान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। सेक्शन 92 कह रहा है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया, जैसे जिला मजिस्ट्रेट है, सेशन न्यायालय है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या उच्च न्यायालय है, उनको लगता है कि कोई वस्तु है, कोई डाक है, तार है या पोस्ट कार्ड है या पार्सल है जो डाक तार अधिकारी के संरक्षण में है और उनको उसकी आवश्यकता है, तो वो क्या करेंगे, ऐसी आदेश देंगे, ऐसा निर्देश देंगे कि उनके द्वारा निर्देश उस व्यक्ति को सुपुर्द कर दी जाएं या दे दी जाएं जो कार्रवाई में उनके लिए आवश्यक हैं।
निर्देश कर दिया जाएगा। वहीं क्लॉज टू कह रहा है, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा एक के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों को मिलने तक निरुद्ध रखे। मतलब ये हो गया कि जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायाधीश या कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ना, और इनको दस्तावेज पार्सल किस चीज़ पर इनके चाहिए, तो बता ऐसी थी डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ऐसी चीज़ की या वस्तु की तलाशी कराएं या उपधारा एक के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक उसे निरुद्ध रखें। मतलब स्पष्ट ये है कि जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के आदेश के बिना डाक या तार प्राधिकारी उस वस्तु या चीज़ को किसी अन्य व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेगा ना रखेगा। लेकिन अन्य जो प्राधिकारी हैं, जैसे कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या अन्य कोई मजिस्ट्रेट है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट नहीं है या उच्च न्यायालय नहीं है या सेशन न्यायाधीश नहीं है, तो फिर उनके आदेश के अंतर्गत वो डाक्टर अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि उस चीज़ या वस्तु की तलाशी करके उसके अपने पास निरुद्ध रखें जब तक कि ये उच्च न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश उसको देने का निर्देश नहीं दे देते। ठीक है, तो इनके निर्देशों के देने के बाद ही डाक या तार अधिकारी वो उस वस्तु को रिलीज करेंगे और निर्देश के अनुसार उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये सेक्शन 92 था अध्याय 7 का पार्ट बी, तलाशी वारंट। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, तो तीन कंडीशन है तलाशी वारंट जारी करने की, जो सेक्शन अपन 93 पहले अपन ने देख लिया है तो इसलिए अपन को पता है कि पहली कंडीशन है कि समन जारी किया गया 91 के अधीन, आदेश दिया गया, और 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है। यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज़ पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे, तो ऐसी कंडीशन तलाशी वारंट जारी किया जाएगा। सेकंड है, जहां ऐसी दस्तावेज या चीज़ के बारे में न्यायालय को ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में, तो वो तलाशी वारंट जारी करेगा। और तीसरी कंडीशन है, जहाँ न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, वहाँ वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो तीन कंडीशन में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है, और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है जिस व्यक्ति को या अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वो तलाशी वारंट ले, तो वो तलाशी वारंट लेगा और निरीक्षण करेगा। क्लॉज टू है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को निरीक्षित कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा, तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे निर्दिष्ट है। मतलब उसमें स्पष्ट होगा कि किस स्थान की तलाशी करना है, उस स्थान की तलाशी लेगा और उसको निष्पादन करेगा और उस स्थान या भाग की तलाशी लेगा और निरीक्षण करेगा जो कि उसको निर्दिष्ट है, कौन, जिस अधिकारी को वो तलाशी वारंट निर्दिष्ट किया गया है। वहीं क्लॉज 3 है, इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी, जिला मजिस्ट्रेट मतलब DM और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब CGM से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। मतलब जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़ के अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट किसी डाक या तार प्राधिकारी को अभिरक्षा में किसी दस्तावेज या पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए शक्ति प्रदान नहीं करती है। मतलब कौन तलाशी वारंट जारी कर सकता है, उनके डाक तार प्राधिकारी के पास कोई चीज़ है या इसकी संरक्षण में कोई चीज़ है, उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय। सेक्शन 94 की बात करते हैं, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। मतलब हम सेक्शन 94 में हम देखेंगे क्या उस स्थान की तलाशी कर रहे हैं जहाँ पर चुराई संपत्ति हो सकती है, कूटरचित दस्तावेज हो सकते हैं या उनके होने की संभावना है या संदेह है।
तो सेक्शन 94 क्लॉज 1 कहता है, यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इतला मिलने पर ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है निक्षेप विक्रय उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मतलब JMFC हो सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं और जिला मजिस्ट्रेट मतलब DM की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि किसी स्थान में कोई चीज़ है जो कूटरचित है या कोई संपत्ति है जो चुराई हुई है, जहाँ पे उसको रखा गया है विक्रय के लिए रखा गया है और उनको संभावना है कि वहाँ आपत्तिजनक वस्तु हो सकती है, तो वो निर्देश दे सकते हैं कि उसकी तलाशी वारंट तलाशी ली जाए। और किसको आदेश किया जा सकता है, कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया जाएगा, वारंट द्वारा प्राधिकार दे सकता है कि वह क्या क्या करे, देखते हैं। उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करें, जिस स्थान में वो वस्तुएं हैं जिनके बारे में संदेह है जो आपत्तिजनक है, तो उस स्थान में प्रवेश करें और उतने बल के साथ प्रवेश करें जितना कि उसके लिए आवश्यक है। खा है वारंट में विनिष्ठ रीति से उसकी तलाशी ले, जो वारंट में एक रीति बताई गई है, प्रोसीजर बताई है, उसके अनुसार वो उसकी तलाशी ले। सी है वहाँ पाई गई किसी संपत्ति या वस्तु को जिसको चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उचित संदेह है कब्जे मिले, मानो वो संदेह जिस संदेह है था जिस वस्तु का जो आपत्तिजनक वस्तु थी वो वहाँ मिल जाती है तो उसको अपने कब्जे में ले ले। डी है ऐसी संपत्ति वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रख दे, मतलब उसको अपने कब्जे में ले ले, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करा दे, अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसकी अभिरक्षा में उस वस्तु को अभिरक्षा में रखे, उस स्थान पर प्रहरे में रखे, अंधा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रख दे। कौन व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसने उसकी तलाशी की है। ई है ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप विक्रय या उत्पादन में या जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है। ऐसे स्थान पर पाया गया, मतलब ऐसा व्यक्ति वो उस स्थान में पाया जाता है जहाँ पर चुराई हुई संपत्ति है, जहाँ पर निक्षेपित किया गया है, उसको विक्रय के लिए रखी गई है और वो व्यक्ति वहाँ पर पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को भी अभिरक्षा में ले लिया जाएगा। या संदेह करने का उचित कारण रखते हैं कि संसर्गी रहा है, मतलब वो उसमें शामिल रहा है, तो यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है, ऐसे व्यक्ति को भी अभिरक्षा में ले लिया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति उस स्थान में पाया जाता है जहाँ पर ऐसी वस्तु निक्षिप्त है या विक्रय के लिए रखी गई है या वो वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ इसका क्लॉज 2 है 94 का, वे आपत्तिजनक वस्तुएँ जिनको यह धारा लागू होती है निम्नलिखित हैं। अब उन वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जो आपत्तिजनक वस्तुएँ हैं, तो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो वो कहना है ए कूटकृत सिक्का, मतलब जाली सिक्का जो बनाया गया है कूट करके बनाया गया है। खा है बी है धातु टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन 10वें प्रवर्तक किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातुगण जो इन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध हैं। वहाँ सी है कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प, कूट करके बनाए गए स्टाम्प हैं या कूटकृत करेंसी है, कूटरचित दस्तावेज हैं, नकली मुद्राएं हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं हैं। और अगला है खंड का से चातक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए उपयुक्त उपकरण सामग्री, मतलब या सारी वस्तुएं जो आपत्तिजनक हैं या इनको बनाने के लिए कोई सामग्री है या कोई उपकरण है या कोई मशीनरीज है, तो वो सब इसके अंतर्गत आएगी और इन आपत्तिजनक वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। और उपस्थित व्यक्ति जहाँ पे जो है जो उसके संसर्ग में रहा है या संभावना है कि उसमें संलिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अभिरक्षा में ले लिया जाएगा। अभिरक्षा में लेने के बाद उस वस्तु को या तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया जाएगा, उस व्यक्ति को अभिरक्षा में ले जाके न्यायालय को पास उपस्थित कराया जाएगा और उस
संपत्ति की पहरेदारी की जाएगी। Thank you.